गाइस हाय, आकाश शर्मा ये फ्रॉम रावण 2.0 प्लस स्क्रीनर इंडिकेटर। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने नया वर्जन निकाला है स्क्रीनर का, उसके बारे में बात करेंगे। रावण इंडिकेटर का ऑलरेडी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है और इसके ऑलरेडी अलग अलग फीचर्स से डेडिकेटेड वीडियो मैं शॉर्ट टाइम में लेके आऊँगा गाइस। अभी शॉर्ट टर्म में कल लॉन्च है तो इसके लिए अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ स्क्रीनर के ऊपर सेटिंग्स देखेंगे, कैसे क्या करना है वो पूरा आपको मैं दिखाऊंगा, राइट। आपको अभी स्क्रीनर, जैसे रावण स्क्रीनर अप्लाई करना है चार्ट पे, राइट। उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, राइट। सेटिंग्स में जाते हो तो यहाँ पे ये सारे रावण के फीचर्स है, तो यहाँ पे आपको ये इतना फीचर ये स्क्रीनर के बेसिस पे आ रहा है, राइट। शो टेबल और ये बैंक निफ्टी निफ्टी जो सब मैंने डाला हुआ है वो वाला, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बैंक निफ्टी के अगर आपको आप इंडेक्स में नहीं करते, कॉमोडिटी में करते हो, तो यहाँ पे जाके आपको कॉमोडिटी की वैल्यू डालनी है, क्रूड ऑयल है। उसके बाद अगर आप फॉरेक्स में करते हो तो फॉरेक्स में पेंसिल में जाके फॉरेक्स की एक्स यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, जो भी डालना है वो डाल देना है। ये सारा वैल्यू अप टू 8 आप एक साथ वैल्यू को अपडेट कर देना है, राइट। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे चार्ट पे वो सारे जो भी आपने सिलेक्टेड किया हुआ है वो सारा अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे उसकी कंडीशंस लगी हुई है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख जाएगा कि बैंक निफ्टी में अभी बाय का कॉल चल रहा है, निफ्टी में सेल का कॉल चल रहा है, एसबीआई में अभी जस्ट लास्ट कैंडल पे मार्केट क्लोजिंग पे आपको बाय का सिग्नल आया है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है। एससीएल टेक में बाय का कंडीशन ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, रिलायंस में चल रहा है, राइट। तो ये सब आपको वो इंडिकेट करेगा। अभी अलर्ट कैसे आएगा उसका आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आता है, बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी मोबाइल यूजर्स है उनको अगर चार्ट बहुत कंजस्टेड लगता है तो शो टेबल पे क्लिक करेगा तो ये टेबल हाइड हो जाएगा। बट ये हाइड तभी करना है आपको जब ये सारी वैल्यूज आप अपडेट कर लेते हो, सेव एज डिफॉल्ट कर लेते हो, उसके बाद शो टेबल को हाइड करके ओके कर देना है, क्योंकि ये अलर्ट बेस्ड इंडिकेटर है स्पेसिफिक। जो भी अलर्ट्स आएंगे वो रावण इंडिकेटर जो था हमारा उसका ही वो अलर्ट खींच के वहाँ पे आपको बताएगा। और ट्रेडिंग व्यू में ऐसा इंडिकेटर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा जो एक साथ 8 अकाउंट्स का, 8 एसेट का एक साथ आपको अलर्ट दे, वो भी फ्री ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के अंदर। आपको कहीं पे भी ऐसा इंडिकेटर नहीं मिलेगा। मेरा दूसरा ही वर्जन भी है टीजी डैशबोर्ड, ईएमए क्रॉसओवर, अगर मोस्टली लोग बाय कर चुके हैं उसको तो वो भी है ईएमए क्रॉसओवर का। उसमें एक साथ आप 15 से 40 अलर्ट आप ले सकते हो गाइस फ्री ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो मैं यूनिक चीज में ज्यादा बिलीव करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ जिससे सबका फायदा होगा, राइट राइट। और दूसरा अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, एक दूसरा एक फीचर मैंने डाला हुआ है, ये है नॉर्मल ADX RSI और ADX RSI, राइट। नॉर्मल ये है कि जो भी है यहाँ पे हम कंडीशंस मैच करते हैं, राइट। ये अभी नॉर्मल में है, राइट। आपको कुछ देखना नहीं है, जो भी इंडिकेटर बाय और सेल देता है उसके हिसाब से आप काम करोगे। अभी दूसरा जो फिल्ट्रेशन हम करते थे पहले, जो रावण इंडिकेटर की वीडियो में आपने देखा होगा कि ADX की सर्टेन कंडीशंस में बोलता हूँ वो फॉलो करनी है, RSI की कंडीशंस में बोलता हूँ वो फॉलो करनी है। तो अगर आपको सिर्फ ADX के बेसिस पे काम करना है, राइट, ADX की कंडीशन अगर मैच होती है तो ही सिग्नल आए, वैसा कुछ काम करना है तो यू हैव टू जस्ट टिक ऑन यहाँ पे ADX पे क्लिक कर देना है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस सिग्नल में ADX की कंडीशन मैच होगी वही सिग्नल्स आपको चार्ट पे दिखेगा। यहाँ पे ADX की कंडीशन मैच हो गई, रेड नीचे है, ग्रीन ऊपर है, राइट। यहाँ पे आपको मूव मिला, यहाँ पे ADX की कंडीशन मैच हो रही है, यहाँ पे आपको मूव मिला, राइट। यहाँ पे ADX की कंडीशन मैच हो गई, यहाँ पे ADX की कंडीशन मैच हुई, यहाँ पे हुई। सो ये अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड देगा चार्ट पे, राइट, कंडीशन बेस्ड है पूरा। दूसरा की कंडीशन ये है कि अगर आपको ADX नहीं सिर्फ RSI की कंडीशन पे काम करना है, तो RSI की कंडीशन मैंने ये रखा है कि 55 और 50-45 जोन रखा हुआ है, जो साइडवेज जोन जनरली एक्सपर्ट्स कहते हैं, राइट। वो जोन के अंदर कभी भी कोई सिग्नल आएगा वो अवॉइड करेगा। 45 के नीचे जो ओवरसोल्ड एरिया है वहाँ पे कोई बाय सिग्नल आएगा उसको नहीं लेगा, राइट। 55 के ऊपर जो ओवर बॉट एरिया है वहाँ पे कोई सेल सिग्नल आएगा उसको नहीं लेगा, राइट। पूरा कंडीशन बेस्ड है, जस्ट ओवर बॉट के ऊपर यहाँ पे 55 के ऊपर सिर्फ बाय कंडीशन देखेगा, 45 के नीचे सिर्फ सेल कंडीशन देखेगा, ओके। उस तरह से ये पूरा काम करता है, राइट। पूरा फिल्ट्रेशन होके आएगा, ये देखो सारे ट्रेड्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी
RSI वाला सिलेक्ट किया हुआ है, ये सारी RSI की कंडीशन मैच हो रही है। देखो यहाँ पे सिग्नल आया सेल का, नेक्स्ट कंडीशन ओपनिंग में, ये एक्चुअली 60-40 का है बट 55 की कंडीशन मैच करे तो ये सिग्नल मैच हो रहा है। यहाँ पे बाय का सिग्नल मैच नहीं किया तो वो सिग्नल ही नहीं आया। तो ये लाइंस को भी आप हाइड कर सकते हो, अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो वो लाइंस कैसे आप हाइड करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, जस्ट अ सेकेंड दिखा देता हूँ, शो TPSL, तो यहाँ पे आप चेक मार्क करोगे तो ये लाइंस आपकी हट जाएगी। इसको अगर मोबाइल यूजर्स हैं उनके लिए जनरली वो काम आ सकता है, राइट। बाकी बहुत सारे फीचर्स जो रावण में थे वो ही आपको मिलेंगे, अपडेटेड वर्जन में मिलेंगे, राइट। ये सपोज आप यहाँ पे देखो EMI है, पहले कस्टमाइजेशन कलर का ऑप्शन नहीं था, वो कस्टमाइज कर सकती है। यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा था, राइट। डैशबोर्ड का डिफॉल्ट वैल्यू मैंने बोला था 21, बट कई लोगों का रिक्वायरमेंट ऐसा था, उन्होंने मुझे बोला था कि सर ये 21 को एडिट कर सके, तो ये मैंने 21 EMA जो था उसको एडिटेबल का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपके हिसाब से 21, 50, 100, 200 जो भी रखना है आपके हिसाब से आप रख के वो पूरा डेटा उसके हिसाब से वो गेट करके यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में शो करेगा, ट्रेंड शो करेगा। ओके, सो यहाँ पे RSI हो गया, और जिस किसी को ADX RSI दोनों की कंडीशन मैच हुए तो ही ट्रेड आए वैसा कर रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन चेक कर सकते हो। मैं जनरली प्रीफर करूँगा नॉर्मल, बट ये सारे सेटिंग्स कब करना है, आपको अलर्ट सेट करने से पहले करना है, उसके बाद अलर्ट के बाजू में जाना है, उसके पहले नहीं सेट करना है। अभी सपोज मैं नॉर्मल में देखा, नॉर्मल में इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी सिग्नल कंफर्मेशन हम लेते हैं ना, कई बार क्या होता है एक हाँ बोलता है एक ना बोलता है, तो कई बार हाँ भी काम कर जाता है, वो मैनुअल ट्रैक करो तो ही बेहतर है, राइट। तो क्यों, तो ये देखो यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल आया, ग्रीन लाइन ऊपर है, RSI भी अपवर्ड फेसिंग है, तो आपको कंफर्मेशन एटलीस्ट थोड़ा तो मिलता है कि यार बाय सिग्नल चल रहा है। और यहाँ पे ट्रेंड मीटर यहाँ पे अपडेट करेगा कि बड़े मोस्टली बड़े टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश लग रहा है, 5 मिनट से 1 डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, और यहाँ पे बाय सिग्नल है, यहाँ पे कंडीशन मैच हो रही है, तो आप बैठ सकते हो ट्रेड के अंदर, आपको इजीली टारगेट अचीव होंगे, राइट। तो आई होप आपको सब समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अभी दूसरा एक चीज़ कि अलर्ट कैसे सेट करना है, लेट्स मैं हो करता हूँ कि आपको ये सपोज पता चल गया, अभी आपको अलर्ट्स कैसे सेट करना है। तो ये जो इंडिकेटर है यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, राइट, वो 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अलर्ट ऑन रावण स्क्रीनर, राइट। जैसे आप अलर्ट रावण स्क्रीनर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, वहाँ जाके सिर्फ आपको क्रिएट करना है। क्यों, क्योंकि जो आपने डेटा यहाँ पे अपडेट किया था, जो भी यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी HCL ICICI बैंक वो सब अपडेट किया हुआ है, बैंक निफ्टी निफ्टी वो सब, राइट। तो उसके हिसाब से वो डेटा गेट करेगा, कहाँ पे वो सारे स्टॉक्स में कहीं पे भी अलर्ट आएगा बाय और सेल का, स्ट्रेटेजी अलर्ट के फॉर्म में मुझे अपडेट करेगा नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग पे। तो ये एक यूनिक फीचर है, कहीं पे भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाके एड अलर्ट करके यहाँ पे डिफॉल्ट आएंगे, सारी डिटेल्स डिफॉल्ट में आएगा, जस्ट आपको करना है क्रिएट। जैसे आप क्रिएट करोगे अलर्ट आपका क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद जो भी आपको चार्ट पे सिग्नल्स आएंगे, एग्जांपल ये 2 सिग्नल्स अभी लास्ट मार्केट ऑफ आवर्स में आएंगे, मीन्स लास्ट कैंडल पे ही आए, तो वो सिग्नल्स के यहाँ पे कन्फर्मेशन भी मिले हुए हैं, तो 2 अलर्ट आए हुए हैं। यहाँ पे अभी टेबल आ रहा है, टेबल किया मैंने, ये टेबल आया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे वो आपको शो करना है, कैसे अलर्ट्स को कैसे रीड करना है। सेम ऐसा ही मैसेज आपको मोबाइल में आएगा, ऐसा ही मैसेज आपको चार्ट पे आएगा, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि SBI में अलर्ट आया है गो बाय गो का, और टाटा स्टील में भी सेल का अलर्ट आया है। सपोज मैं यहाँ पे टाटा स्टील का चार्ट लगाता हूँ, टाटा स्टील का मैंने चार्ट लगाया, यहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे बाय का सिग्नल चल रहा है, सॉरी सेल का सिग्नल, सेल का अलर्ट आया हुआ है टाटा स्टील में, राइट। 5 मिनट का ही टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देखो लास्ट कैंडल में जब भी आता है या फिर जब अलर्ट आता है फर्स्ट कैंडल में, यहाँ पे शॉर्ट गो आएगा, बट अलर्ट कंफर्मेशन का जैसे अलर्ट आएगा नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग होगा तब आपको ये ट्रिगर होके आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल मार्केट क्लोजिंग पे ही अलर्ट आया है, तो कंफर्मेशन मोस्टली हुई कि सिग्नल कंफर्म है, अभी मार्केट कल ओपन होगा उसके उसमें चेक करना है कि कैसे मार्केट जाएगा, कैसे परफॉर्म करेगा,
सो पॉसिबिलिटी उतनी आप ले सकते हो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे इतना बेरिशनेस दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आप देखोगे कि ग्रीन कंफर्मेशन जो लाइन है वो बिलो 20 है, तो बाय का मूवमेंट तो नहीं है, सेल का मूवमेंट अपर फेसिंग है, और यहाँ पे RSI का ब्रेकआउट भी रेडी है। तो जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ट्रोड में बैठ सकते हो, गैप डाउन भी ओपन होगा, मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन ओपन होगा, बट अगर इक्वली अगर आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलता है या ऐसा सिग्नल अगले दिन मिलता है, तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो और उसमें ट्रेंड भी आप चेक कर सकते हो। ओके सो इस तरीके के जनरली काम करता है ये। टाटा स्टील का देख लिया, आपको SBI का भी दिखा देता हूँ। राइट, यहाँ पे SBI इनके में लगा दिया, यहाँ पे बाय का सिग्नल आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ADX ने भी कंफर्मेशन दिया हुआ है, 20 के ऊपर ग्रीन लाइन आ गई है और ये येलो लाइन ऑलरेडी ऊपर है, प्लस RSI का भी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो गया है। तो आप नेक्स्ट कैंडल में या फिर जब ये सिग्नल फॉर्म हुआ, सारी कंडीशन मैच हो रही है, तो उसमें बैठ सकते हो। राइट, अभी अलर्ट कैसे आपको आएगा, सपोज मेरा अभी निफ्टी का चार्ट है और अलर्ट मुझे सेट करना है, राइट, सपोज यहाँ पे मैं ये हमारे सारे अलर्ट निकाल देता हूँ क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है। जब फर्स्ट टाइम अलर्ट करूंगा और जहां पे भी लाइव मार्केट क्लोजिंग पे जो सिग्नल आया उसका डिफॉल्ट मुझे अलर्ट ऑलरेडी आएगा। अभी यहाँ पे मैं जाता हूँ, सपोज मैं निफ्टी के चार्ट पे हूँ, बट मेरा ये टेबल ऑलरेडी अपडेटेड है। राइट गाइस, इसके अंदर मैंने CPR भी डाला हुआ है, CPR अगर आप यूज करोगे ना, ये सारे जलवे से बच पाओगे। ये जो ट्रैपिंग ट्रेड आपको दिख रहा है ना, ट्रैपिंग ट्रेड से CPR बचा सकता है, VWAP भी आपको बहुत सेव करेगा, टाइमिंग और कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड्स मिलेंगे। यहाँ पे सब सारे फीचर्स ऑल इन वन इंडिकेटर है सर, राइट, ऑटो ट्रेड लाइन से इवन ये RSI का भी कंफर्मेशन आपको मिलता है यहाँ पे। वैसे तो कंडल का कलर वाइट है, ये जनरली ऑलरेडी मैंने RSI की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट, तो ये सबका डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ और आप रिफर भी कर सकते हो। राइट, कैसे सिग्नल्स को एंट्री करना है, एग्जिट करना है, यहाँ पे कन्फर्मेशन ही नहीं मिला। राइट, तो आप वहाँ से आपको पता कर सकते हो। ओके, तो अभी क्या मैं बोल रहा था कि अलर्ट यहाँ पे सारे आपने अपडेट कर दिए, अलर्ट लगा दिया। राइट, तो आई होप गाइस आपको पता चल रहा है कि हाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। राइट, अभी अलर्ट कैसे करना है, फिर से 3 डॉट में जाना है निफ्टी में, ये सारा अपडेट कर दिया, उसके बाद सब कुछ अपडेट करने के बाद ही आपको अलर्ट सेट करना है। बाद में ऐसा ना बोलो सर मैंने अलर्ट सेट किया बट दूसरे ही सिग्नल्स आ रहे हैं, पर दूसरे आएंगे, पहले आपको सब पूरा कस्टमाइज कर लेना है, उसके बाद ही सेव एज डिफॉल्ट करके अलर्ट सेट करना है। राइट, आई होप आपने ये सब कर लिया, उसके बाद आप 3 डॉट में जाके अलर्ट में जाओगे और जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट करोगे यहाँ पे अलर्ट में, आपका यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा, अभी आएगा, ये देखो आ गया। अभी 2 अलर्ट आएंगे, कौन से 2 अलर्ट आएंगे, थोड़ी देर में मीन्स आने ही चाहिए, क्योंकि ये SBIN और ये टाटा स्टील दोनों कंफर्मेशन कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं इसके अंदर। राइट, तो ये 2 अलर्ट मोस्टली कंफर्मेशन कैंडल बोलते हैं। राइट, और बाकी मार्केट जैसे अलर्ट्स देता रहेगा उसके हिसाब से आपको इंटीमेट करेगा। मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया कैसे अलर्ट को रीड करना है, अभी अलर्ट्स आएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, आई होप आपको ये इंडिकेटर जो मैं बोल रहा हूँ, रावण प्लस ये स्क्रीनर, पता चल गया होगा कैसे यूज करना है। कुछ भी गाइस कंफ्यूजन है, फील फ्री टू टॉक मी एनी टाइम, मैं यहाँ पे गाइड करने बैठा हूँ। राइट, मार्केट आवर्स में भी आप मुझे टेक्स्ट करके मैसेज कर सकते हो कुछ भी कंफ्यूजन हो तो। राइट, एंड आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। स्टिल आप यहाँ पे एक देख एग्जाम्पल दिखाता हूँ हैवेल्स का। यहाँ पे ऑलरेडी बाय का सिग्नल चल रहा था, सेल का सिग्नल भी आया, अभी बाय का सिग्नल यहाँ पे सारे टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो मार्केट के चांसेस ज़्यादा बुलिश होने के हैं। राइट, EDX का भी कन्फर्मेशन है, RSI का भी कन्फर्मेशन है, ऑलरेडी ओवरबॉट में है बट स्टिल उसमें भी थोड़ा मूव बाकी है, और बाकी तो और भी ऊपर जा सकता है। तो ये है पावर ऑफ माई इंडिकेटर, मल्टी कन्फर्मेशन, सब कुछ ऑल इन वन इसके अंदर आ जाएगा। ओके फाइन, थैंक्स फॉर योर टाइम गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो मैं जो भी नए वीडियोज अभी बनाने वाला हूँ आपको ऑन टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम गाइज, एंड थैंक्स फॉर योर यू नो वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आप अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आई विल एक्सेप्ट गुड रेफरेंसेज फ्रॉम यू। तो मैं रेफरेंसेज के बेसिस पे काम करता हूँ और सजेशन बेस काम करता हूँ,
ये इंडिकेटर स्क्रीनर भी मैंने बहुत सारे सजेशंस के बाद मैंने ये बनाया हुआ इंडिकेटर, और बहुत मेहनत लगती है गाइस। रेट मैंने कम रखा हुआ है, राइट, इट्स आई कैन से यू नो नॉमिनल प्राइस, एक स्टॉप लॉस इतनी प्राइस में रख रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड कि मैं फ्री में भी कोड दे सकता हूँ, बट गाइस कोड की वैल्यू होती है, टाइम का वैल्यू होता है, राइट, और एफर्ट जो मैं डालता हूँ इंडिकेटर बनाने के अंदर, जो रिसर्च करके मैं करता हूँ वो डेफिनेटली काम आता है। आई हैव मैनी मैनी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स। मैंने ऑलमोस्ट रावण इंडिकेटर की बात करूँ तो आई हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 800 प्लस मैंने लोगों को ये प्रोडक्ट सेल किया हुआ है, एंड मोस्टली ऑल आर सेटिस्फाइड। मैं आपको लाइव मार्केट से दिखा देता हूँ। आई एम गोइंग टू दिस रावण इंडिकेटर, यू कैन सी ये भी लोड ले रहा है। फाइन, नो वरीज, आई होप एवरीथिंग इज अंडरस्टूड नाउ। आपको ये पता चल गया होगा कैसे ये इंडिकेटर को यूज़ करना है, सब कुछ। ये वो टैब भी आपको शो नहीं करेगा ड्यू टू हाइडेंस। फाइन एंड थैंक्स फॉर टाइम गाइज, एंड इफ यू न्यू टू चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।